स्थित पेट्रोल पंप के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान ईरानियों कार में लुटेरों को बैग में भरे लाखों रुपए सहित किया गिरफ्तार। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसडीओपी दीपक मिश्रा ने बताया कि यह लूट का मामला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का है, जहां पर ये सभी आरोपी मूसा ईरानी और यूसुफ ईरानी राजा रेड्डी नामक तेंदूपत्ता बीड़ी व्यापारी निवासी हैदराबाद से राजनांदगांव में इमाम चौक पर नकली पुलिस बनकर चेकिंग के दौरान उसका 30,40,000 रुपए से भरा बैग को लेकर चले गए और व्यापारी को थाने में आकर अपने पैसे की डिटेल बताकर पैसा ले जाने को कहा। हालांकि व्यापारी की शिकायत के बाद उमरिया एसआईटी पुलिस एवं सिटी पुलिस की मदद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेश है हमारे उमरिया के संवाददाता शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। राज्य की है, वहाँ 4 मई 2017 को राजा रेड्डी हैदराबाद के रहने वाले हैं, बीड़ी पत्ते का वो जो खरीद के व्यापारी हैं। ये हैदराबाद से बस में एक दिन पहले शाम को 7 बजे चले थे और सुबह 9 बजे राजनांदगांव पहुँचे थे। तो जब वो राजनांदगांव पहुँचे तो वो इमाम चौक पे खड़े ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पे दो आरोपी हैं, मूसा और यूसुफ ईरानी। इन लोगों ने उनको झांसा देकर पुलिस चेकिंग का बहाना करके उनसे उनके रुपयों का बैग लेके चले गए थे और बोला था तुम थाने में आके इसका डिटेल बताओ। उस बैग में 30,50,000 रुपये। राजनांदगांव पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया, उन्होंने जानकारी जुटाई, उनको पता चल गया कि ये यूसुफ और मूसा ईरानी हैं जो बुढ़ार और उमरिया में निवास करते हैं। उसमें से उन्होंने मूसा ईरानी को गिरफ्तार किया, उससे पता किया, उसने पैसे 8.5 लाख रुपए उमरिया में अपने घर में रखना बताया। जो उनकी पुलिस की टीम आई, उनकी सूचना पर थाना प्रभारी उमरिया अनूप सिंह, थाने का स्टाफ, एसआईटी टीम के अंजनी मिश्रा, गणेश्वर और जितेंद्र सिंह और थाने के शैलन सिंह, इन लोगों ने जाकर रेड कार्रवाई की। जो राजनांदगांव के स्टाफ के साथ उसके घर से पैसे बरामद किए, उसको लेकर अग्रिम कार्रवाई राजनांदगांव पुलिस करेगी।